ग्राम पंचायत धार टटो के झमाड़ पालंगरी में पीने के पानी के मुख्य पाइप से मृत शाम के निकलने से इससे पानी पीने वाले लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि इन लोगों को 16 जुरासी पेयजल योजना से पानी मुहैया कराया जाता है। मुख्य टैंक से पालंगरी झमाड़ के लिए एक अलग से पाइपलाइन डाली गई है, जिससे लगभग 20 घरों को पानी उपलब्ध करवाया जाता है। इन लोगों को पिछले 20 दिनों से पानी की समस्या आ रही थी। ये लोग बार बार विभाग को सूचित कर रहे थे, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने इस पाइप को चेक करने के लिए खोला तो आंखें खुली की खुली रह गई। इस पाइप से एक सांप गली सड़ी हालत में निकला, जो कई टुकड़ों में बन गया था। मौके पर मौजूद वार्ड सदस्य सुनीता देवी, सोनू चमनलाल आदि ने कहा कि पिछले कई दिनों से पानी में कुछ अजीब सी बदबू आती थी, लेकिन किसी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज जब इन्होंने इस दृश्य को देखा तो वे अपने परिवारों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित और डर गए हैं। युवक मंडल प्रधान कुलदीप ठाकुर ने कहा कि बरसात के दिनों में ऐसे भी सांप बिच्छू आदि ज्यादा होते हैं। ये जो 16 जुरासी पेयजल योजना है, आधी से ज्यादा धार टटो पंचायत के हजारों लोग इसी योजना पर निर्भर हैं। जल शक्ति विभाग को चाहिए कि वे अपने टैंकों को नियमित साफ सफाई, दवाइयां टैंकों को किसी भी हालत में खुला न छोड़ें तथा समय समय पर मुख्य लाइनों की जांच करते रहें, ताकि इस तरह की घटना कोई बड़ी दुर्घटना न बन जाए और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ न हो। उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि जल शक्ति विभाग अपने कार्य प्रणाली में बदलाव लाएगा तथा स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी मांग की जाती है कि वहां के लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए एक टीम को भेजे, ताकि लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जो डर बना हुआ है उससे बाहर निकाला जा सके।